सूरीनाम के हमारे प्यारे दोस्तों, आज एक बार फिर से हम आप लोग के खिदमत में हाजिर हो रहे हैं दैनिक समाचार मतलब न्यूज को लेकर के। आज बीफे हो गया है 25 तारीख और खुस्तस के लिए। सबसे पहले प्रोग्राम दैनिक समाचार न्यूज में आप सभी को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, नमस्कार, सभी को राम राम और इंशाल्लाह यही उम्मीद है कि आप लोगन अच्छे से हो योजा। या हम हमेशा प्रोग्राम के शुरुआत के दौरान कहते हैं कि अगर आपके आज सालगिरह हैं, जन्मदिन होगा, कोई खुशी की बात होगी तो मुबारकबाद ही अर्ज हैं ना, आप मुबारकबाद के हकदार हैं। और उन लोगों को भी हम याद करते हैं जो तकलीफ में है, परेशानी में है, मुसीबत जजा है, उनके लिए दुआ है कि परवरदिगार आप लोगों को सबर करने की तौफीक अता फरमावे और आप संतोख करें। जी हाँ, क्योंकि मुसीबतें इंशाल्लाह टल जाएंगी। दुआएं कीजिएगा, और अगर आपके फैमिली में कोई गुजर गए, किसी का वफात हुआ, तो रेडियो और टेलीफिसी त्रिशूल आप लोगन के तकलीफ में शामिल हैं। दोस्तों, देश में, परदेश में फेसबुक के हमारे चाहने वाले, यूट्यूब पे बहुत लोग प्यार दे रहे हैं ना, तो आप लोगों को हम याद फरमाते हैं और आप लोगों पर ये करम हो कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट सलामत रहे। तबीयत उतना ठीक ना है, फिर भी हम काम को अंजाम दे रहे हैं, आप लोगन के खिदमत कर रहे हैं। और अब बढ़ चलेंगे स्टार न्यूज के तरफ। हम शुरुआत करते हैं और स्टार न्यूज पर लिखल है, आसत पेई डायरेक्सी बोला है दिन्स फरलीनिंग फिंट मेट फरत्राखिंग प्लाच। तो देखो, आसत पेई के डायरेक्सी को शर्म न लगे है सूरीनाम के जनता, ई लोगन के शर्म चाही कि अखबार में अबे हिम्मत करके लिखते हैं कि दिन्स फरलीनिंग फरत्राखिंग से होता है। इतना खिलवाड़ ये लोग लोगों के तंदुरुस्ती से करे है, फरत्राखिंग से है। बोले रेगुलर दिन्स फरलीनिंग पशंतन का अकादेमिक सिकन है उस पर हमारी बहु के बॉन्ड के आक्सी से फरत्राखिंग से अंजाम देवल जा है। अरे कुछ तो शर्म करो है, इतना मजाक आप लोग लोगों के तंदुरुस्ती से करते हो। सूरीनाम के जनता बड़ा दुख होता है ई सब चीज को पढ़ करके। अकादेमी सिकन है उसके डायरेक्सी लानत है आप लोगों पर। अरे भैया, आक्सी में बांटो, लेकिन आप लोगन के हक है आक्सी करे के, लेकिन फर्ज कैसे भूलते हो कि कई मरीज लोगन, कई गो पशंतन वहां पर जिंदगी और मौत के दरमियान है, जिंदगी और मौत के दरमियान होंगे, और आप लोगन की हिम्मत है अखबार में लिखे के कि दिन्स फरलीनिंग फरत्राखिंग से होई। सूरीनाम के जनता बहुत दुख होता है कि ऐसे हो है, और अब्बे बगैर कोई शर्म के ही लोगन लिखे हैं वही बतरेरन। बोले हम लोग के बड़ा अफसोस हैगा कि मान रखतुएं तुएं तक से है पश्यंतन आयन दियालीसक के लिए न छोनाल नीर दियालीसक सेंट्रम लगे, और उसमें भी फरत्राखिंग पैदा हुआ बहांदलिंग में। बोले पब्लिक से गुजारिश कर रहे स्पुत ऐसन दहुलप कि हम लोगों को आप लोग अंतलास करे और हेल्थ आर्ट्स जाएं और इखिनाल खसों था इस दिन जाएं। तो ऐसे बोले अनवेशक जो पर्सोनेल रही, तो बोले ये ज्यादा बीमार है या खवंद पाशंतन को खिदमत होगा, तो आप हमसे बताइए कि के जाहे झूठे के दतरा लगे। बोले पौली क्लिनिकन मोबाइल नंबर से भी बड़ा एक बार है, या तो आप लोग ये करे कोई ना जाने कब के बीमार होई, तो आप लोगन खोज ले नंबर खोज खोज के धरे रहें।
बोले कॉन्फ्लिक्ट ना है डिरेक्सी आसत्पे की और बॉन्ड से। देखियो का लिखे ही लोगन सोचे सरनाम में पगला आदमी रहे है। बोले कॉन्फ्लिक्ट बॉन्ड और डिरेक्सी में ना है आसत्पे के मार। बोले हम लोग रखेरिंग खरतीन रखेरिंग के साथ मिलकर के हम लोग एको जिम्मेदारी तरीका से इस समस्या का समाधान हल ढूंढेंगे। और बोले सरकार अब बॉन्ड से काम करे तो देखो लोगों के तंदुरुस्ती से आप लोग भाई ये सब मजाक करते हो। हम समझी ला आप लोग अपन हक के लिए लड़ते हो लेकिन बार बार बोलता हूं कि अपन फर्ज आप लोग ना भूले। जहां पर कई मरीज जिंदगी और मौत के बीच है वहां दिन्स फॉर लीनिंग आज फॉर त्राखिंग से हो है। अरे हम लोग कहां जाएला भैया सरकार लोगन का करे आप लोग यार एहू भी ना हो है आप लोगों से। श्री नाम के जनता निर्दयालिस सेंट्रम के मरीज लोगन भी बहुत परेशान है। हमको व्हाट्सएप बरेख भी भेजिन है कि भैया हम लोगन ना दयालिस शेर होबे तो मर जाएंगे हम लोग भाई ना। इतना ये नौबत कहां से आ रहा है भाई आप लोगन है। अरे तंदुरुस्ती पर भाई तंदुरुस्ती के मिनिस्टर से मैं गुजारिश करता हूं जब देखो आप ऑफ द होक्त ना रहो है परदेश में रहो है का अखबार ना पढ़ो है का। अरे बॉन्ड वालों को जाके बोलो भैया कि आप लोग लोगों के तंदुरुस्ती से कौन घटिया मजाक करते हो इस देश में। खबरें यहां पर स्टार न्यूज पर महेंद्र जोगी बहुत नाराज है। जी हाँ सरमक्का के पार्लियामेंटारियर फेहापेई के महेंद्र जोगी नित एंस अब्सोल्यूट नित एंस मैं बनुमेंग नारायण तो देसे। तो फेहापेई के होफ बस्तूर स्लेत और पार्लियामेंटारियर सरमक्का के बोले हम ना एंस बाटी लाल से लिखल है नित एंस मतलब ये आदमी गरम है कि ये बात का खुलासा हुआ कि भोलानाथ नारायण डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स बनुम होई वानिका में। एगो फेहापेई के फरखादरिंग लेडिंग पे रहा और प्रेसिडेंट फोरसेटर भी है फेहापेई का ई ऐलान कर दिया। जोगी स्टार न्यूज से बोले ई ऐलान हम लोग सुन ली बाटी तो बच गए मुंह के भले हम लोग गिरती चौं गई बाटी हम लोगन की घबराहट हो गए। जोगी बोले प्रेसिडेंट को चाही द प्रेसिडेंट साल देश बनू में मुतरख द्रायन फेन द पोलिटिक्यूस। दोस्तों जोगी अपने पार्टी का फोरसेटर और प्रेसिडेंट से भी बताइस कि फरखादरिंग के बाद देख हम लोगन ई बतिया से उतना ब्रेती ना बाटी। और पार्टी खनौत आशीष गया दिन भी बोले कि ई बनुमेंग ना ठीक है या बोले वार इज द फर्निवेंग एंड फर योंगिंग फन आशीष एंड भोलानाथ। बोले ये आदमी सेस्तखियार के हो गए है और ये बात कल मैंने भी कहा आप कल के दैनिक समाचार यूट्यूब पे देख सकते हैं मैंने ये बात को बोला कि पार्टी में नौजवान ना है ई फिल्मसी के लिए। एक तो आप लोग लिखते हो कि भोलानाथ नारायण फॉर योंगिंग फॉर रिवेंग का है और सेस्तखियार के खुद जाके बैठता है भैया फेहापेई में नौजवान भाई इतना मोई मोई पढ़ल पढ़ल लड़कन बाटे है जोन डिग्री ले करके बैठे हैं तैयार है मैदान में उतरने के लिए लेकिन भोलानाथ जैसे लोग जैसे अगर बनेंगे तो पढ़ल पढ़ल लड़कन कहां जाएंगे। तो सूरीनाम के जनता मनैया ना एंसेगा। जी हां और बड़ी चकल्लस है हाँ भड़क गए है सभन लेकिन सही है भाई। अरे इतना पढ़ल पढ़ल लड़कन मान है का होएगा। बोले छोटे कमरों में फैसले लिए जाते हैं और ना हाँ और कोई जनबेन करे कुछ। अब इनको पेंशन से जाना है तो भोलानाथ नारायण बनेगा देसे। तो महेंद्र जोगी और आशीष गयादीन बोले हम लोगन एंस न बाटी ये फैसला न ठीक है। और बोले परिवार और दोस्तों को बनुम करने से का होगा भाई सब कोई जाने की भोला
आशीष के बढ़िया दोस्त है। बोले ऐसे दो रोजाई जोगी ये बात भी बोलता है, होशियार आदमी है। बोले ऐसे दो रोज जाएगा तो त्वेन तक फैफन त्वेन तक में बड़ा विशाल हम लोग के आयुष्लाख रही। ई बात महेंद्र जोगी फरमाइश हैगा। हमारे देश के जनता लोगन ई सब बड़ा मोहिलक चीज बा। और महेंद्र जोगी बोलिस है कि उ अपन प्रत्यय खनौद आशीष गया दिन से भी बोलिस हैगा कि बनुमेंग गलत है। बोले आशीष तू लोगन के फरियोंगेंग कहां है ना? तो प्यारे भाइयों ऐसे बात है। और कलिया हम बोलने रहली कि यहाँ पे में नौजवान नन्ना है, इतना लड़कन पढ़ पढ़ के तैयार है मैदान में उतरने के लिए, लेकिन भोला नाथ उतरेगा जी हाँ। तो श्री नाम के जनता हम का बोली, जोगी साहब ने बता दी है कि ऐसे अगर जाएगा दोरो तब बड़ा विशाल रही। अब स्टार न्यूज से हम चनौर बातें आप लोगन के नाम पे बयान करेंगे। न्यूज में आया है ऑन रोइमिंग ऑटो उराकन लंग्स द वेख बेनकॉर्थ लांडलक। तो हमारे देश के जनता एक ऑटो उराक ऑटो उराक जाने का है भाऊजी, एगो ऑटो जो नपना चलने के लायक है और किसी ने जाके डाम कंथी उसको रख दिया है। तो क्वाटावेख में ये बात भइल है, ओके सब घंच के ले जाते हैं। ब्यूर्थ मैनेजर क्वाटा का ब्रिगादीर एमएलईसी और बस्तूर दिन सी काम करी है। बहुत विशाल बात है गई, सांप गोजर चोर चपाट इसमें छिप सकते थे। कापे यस का वोर्थ फूर्दर मिल्टन बेस्कॉप बोले लांडलक हम लोग की काम करने के लिए सोचे हैं, बढ़िया है भाई। और उन लोगों को आप लोगन भी ख्याल करें जो इस देश को बागबा वेंकरी समझिन है, कारण कि लोग रात के अंधेरे में ओ तो अपन जाकर डाम कंती रख देते हैं और भाग जाते हैं। तो सवेरे जागो तो देखो ओ तो ना ओ तो धरा है दाम कंती, किसका है यह किसी को नहीं पता। तो इन लोगों को पकड़ पकड़ के इतना कस के बूटू मारो कि ये आदत छोड़ दें। ये बैरम आपका नहीं है, अगर आपकी ओ तो चलने लायक ना है दमुती दत अरखंस खान वेख हो ये वार दत इस्तुखस्तान न कि उपम्बार वेख में बूटू लगी तब पता चली कई बजल है। तो सरकार के देश दोषी ठहरियो, लेकिन अपने गिरेबान में झांक करके देखिएगा कि आप कितना होशियार हैं ना। तो देश के दोस्तों आप लोगों के नाम पे खबरें और आगे हम रखीला। दैनिक समाचार हैगा और सफीरा यसरिन बोले बिसोंदर त्रिस दत एक न्यू सोंदर इन ख्रंसलाख वर्थ ख क्रिमिनलिसेर। प्यारे भाइयों सफीरा यसरिन प्रेसिडेंट कमिसारस रहा हैगा बेतल एक एसएलएम लगे और बोले हम देश में से न भगली बाटी, या बोले कि हम काहे भागी ना। बोले वंसदाख के संझा के हम अखबार से बोली ई बात, बोले हम फकांसी से ऐतलान दख बाटी बाकी हम देश छोड़ के ना भागल बाटी। एसएलएम के से ओ पॉल दहान देश से चल गए फिया फ्रांस खुयाना पर से आमस्टरडम। अब बे ना पता है का भइल है का ना। और हमारे देश के जनता यूरेस प्रणव बबी से सर वो भी कोशिश करके मायमी से फ्लोरिडा फरार होना चाहता था, मगर ये संदरई पर गिरफ्तार हुआ है। फरदाख्त अब बे ना है, मामलों के छानबीन हो रहे हैं,
तो सफीरा यसरन बोले हम देश में से न भगली हैगा। ठीक है, ये बात को भी मैंने आप लोगों को बताया। वह बारी काद वह नरसंदर तो देखो कुछ लोग है इस देश में जो सोचे ये देश इन लोगों के बाप के जागीर है। हम समझिल कि देश में ना मोइजा है, गड़बड़ी है, मोइलक है देर बा, लेकिन रास्ता बारी का देर करके आप लोगन प्रॉब्लम ना खोज लियो। ये कोपम बारह वह है और ई रास्ता जो है परमारी बहू का या सांदरई का ये ओपंबार है। इसका मतलब है कोई के नमाखे इंच इधरी जाके व्यख बारी का धरे के तो उन्स दख के सबेरे कलिया बारी का देर रहा अक्सी फूरदर्स और दे ते फे जो एक्सप्रेस है ई अक्सी फूरदर्स के से बातचीत जाहे करे तो अक्सी फूरदर्स परेशान है बोले इतना आन रेडिंग होता है बांती भी प्लाटा हो जाए लोगों का तो बोले हम लोग मांगीला कि रास्ता असफल तेर हो या और एक अक्सी फूरदर बोले कि इलाका पारा में सब न ख्याल करे हम लोग के तो देश के जनता अगर ये आदमी चाहता है कि वो टुकड़ा जो है असफल तेर होवे तो आपको उपम्बार वर्क में जा करके या पतिसी एन दिन करो भाई रास्ता बारी का देर करियो उसको उतू जाई एक तमाचा कनपटी पे काटी कस के तब पता चली कई बजल है ना फरकेर आप लोगन काहे के बन कर अदबाटो है। इकोनॉमी से सिचुएशन खराब है देश में, फिनेंशियल मुसीबत है तो रास्ता बन करके कौन अपलोसिंग लियो सठियाई गाओ का। अरे प्यारे भाइयों साहेब सनंगा दे ब्रदर फुपारा दा पे और दे ते फे एगो बपाल द हौदेंग है भैया ये लोग जा है सरकार के खिलाफ ये लोगन खली रोत सोई बोले हैं ना तो ये गलत बात है। ये दे ते फे को बढ़िया से फॉलो करियो दे ते फे सरकार को सिर्फ क्वात दखलेख में लाता है। अच्छा काम जहां हो है वहां दे ते फे को ना पियो। कुछ गधे रास्ता बारी का देर कर देते हैं तो दे तेफे जा करके पहुंच जाते हैं पता नहीं लोगों को मिल क्या जाता है। लेकिन सब कोई जाने सभी कोई जानते हैं कि देश की हालत खराब है ना और आदमी भी फरमाता है काहे रास्ता बारी का देर भाई आक्सी फूरदर बोले हैं कि बहुत औखलक होता है ये रास्ता पे आन रेडिंग होते हैं लोगों की ओतो बांती बोरो हो जाते हैं। अरे भैया तो बारी का देर करके कौन अपलोसिंग तू लइए तो कुछ गधे बड़ी हुरदंग मचा रहे हैं भाई और पता नहीं है का माजरा है। मिनिस्टर रमादिन लिखता है दखबलत सुरीनाम में बे फर्सखेंसलन आप पक खलाइक न दहाय साथ तो सुरीनाम के जनता एर्स्त खफाल आप पक का मानदख 22 तारीख को खुशस को खुयाना में ये मुकर्रर हो गया बफेस्तख्त हुआ है और मिनिस्टर वहां कई बात बताई है। तो मिनिस्टर रमादिन सुरीनाम वाला बताई से भी कि फर्श खेसल रहेगा तो आप दत्रा यहां जाए बहुत बढ़िया बात मिनिस्टर बोली है इनके लिए जरूर सबासी है भाई। लेकिन मिनिस्टर अमर रमादिन से मैं यहां से निवेदन करता हूं कि आप लोग कुछ करे भैया आप खसौन था इतके अगुआ कार बाटो न तो अपने सरकार के टीम से बातचीत करे आप क्योंकि आसेत पे में दिन्स फॉर लेनिंग फॉर त्राखिंग से हो है। मिनिस्टर आपसे निवेदन है भाई लोगों के तंदुरुस्ती बाधा में ना पड़े पश्चिंतन की जिंदगियों से आप लोग खिलवाड़ ना करें और इस समस्या को हल्ली सप्लॉस करें। मैं अपने लिए नहीं आम जनता हरेक के लिए ये गुजारिश कर रहा हूं आपसे कि आप तंदुरुस्ती से खिलवाड़ ना करियो हम बताइला और जनता आज के लिए इतना काफी है। मोह से रहा करे आप लोग इंसान बन के सैतानी हरकत करियो तो उसके लिए तैयार रहना है कि भरना पड़ेगा ना। और यह भी बता दें फरकेर में ख्याल करें चोरन चपाटन से बचे या अपन फर अंत वोर लखेत से गाफिल ना हो और बढ़िया से रहियो लड़कन के ख्याल करें अपलिखतर चोरन बदमाशन
कुपारी लोगन, आप जानते हैं हम कौन लोगों को बदूल करीला, कुपारी लोगन या जो रात और दिन सैतानी हरकत में उलझे रहते हैं उन लोगों से भी आपको अल्लाह बचाए, अपलिस्टर से बचें। और प्यारे भाइयों, देश में, यूट्यूब में, विदेश में, फेसबुक में, चाहे जैसे भी आप हमें सुनत बांटो, अल्लाह आपके चेहरे पर मुस्कुराहट सलामत रखे, तंदुरुस्ती आपको अता फरमाए, हरेक को प्यार हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्कार करता हूं और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगा। शुक्रिया।